गाइस अब मैं साफ करने वाली हूँ जो रोशनी का ये जो उसका सॉफ्ट टॉय का पार्ट है ना वो वाला, और इसके ऊपर मैं चढ़ नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चढ़कर साफ करना चाहिए क्योंकि अंदर तक बहुत ही ज्यादा गंदा है। लेकिन मैं चलूँ तो चलूँ कैसे, तो चलिए ट्राई करते हैं चढ़ने के लिए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सब बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सबका दिवाली बहुत ही अच्छे से जाए, आप लोग फटाके फुटाए, उसके बाद चिराग जलाए और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली के दिए जलते रहें। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं आज का। तो आज मेरे घर में बहुत सारा काम था गाइस, मैं क्या करूँ क्या नहीं, अकेली औरत, फिर भी मैंने जितना मुझसे हो पाया मैंने अपना घर के पार्ट पार्ट सामान को मैंने आज साफ कर दिया, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी गाइस। मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि रोशनी ने क्या किया हुआ है, जो हमारा डाइनिंग टेबल का कुशन है ना उसका जो इज्जत है वो उसने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो दिन भर जो है ग्लू लेकर खेलती रहती है। ग्लू चाहिए उसको, कलर चाहिए, सभी मेरे कुशन में उसने कलर और ग्लू लगा दिया है। तो आप सभी बताइए इस कुशन को मैं कैसे ठीक करूँ, इसमें एक कवर लगा दूँ जिसको मैं खोल कर धो भी पाऊँगी, और ऐसे तो ये है तो मैं इसको धो नहीं सकती। तो मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए मैं कवर सिला लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से धो पाऊँगी। और गाइस मैंने ईश्वर का नाम एकदम अंतर से ले लिया है, और इस जो जंग है फैन साफ करने वाला जंग है, मेरे लिए तो जंग ही है गाइज, और इस जंग में मैं उतर गई हूँ अपना हथियार लेकर। गाइज अकेले रहकर घर की सफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा, और मैं अकेली रहती हूँ और जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे में है जो सब चीज़ें वो मैं साफ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है गाइज, बहुत ही ज़्यादा कम है। अब मैं क्या करूँ बताइए आप सब, अब मैं क्या करूँ, काम करने वाला एक भी कोई नहीं मिल रहा है मुझको। तो चलो जंग के मैदान में उतर ही गए हैं तो कर ही लेते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो मैं अपना हथियार ले चुकी हूँ और अपने हथियार के ऊपर चढ़ गई हूँ, चढ़कर मैंने पेन अपना साफ करना शुरू कर दिया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हाथ दर्द करने लगा है फिर भी मैं कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ी कर लिया है लेकिन ज़्यादा अच्छा से साफ नहीं कर पाई, दिखाती हूँ मैंने पेन कितना साफ किया। गाइस पेन साफ हुआ कि नहीं आप सब बताइए, तो मुझे तो लग रहा है साफ हो गया, बस थोड़ा थोड़ा रह गया है और मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ, और मैं कर भी नहीं सकती, और मैं अगर ये मैं करने के लिए जाऊँ तो मैं धड़ाम से गिर जाऊँगी, तो इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ। तो मेरे रूम में और एक फैन है तो चलिए उसको साफ़ करते हैं, वो भी इस इतना ही ऊँचाई पर है, और मैं देखती हूँ कि उसको मैं साफ़ कर पाती हूँ कि नहीं। इसमें तो मेरी हालत ख़राब हो गई, पैर भी ऐसे 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 काँप रहा था, तो उसको हम साफ़ कर लेते हैं जो हमारे रूम पर है, मैं और रोशनी जहाँ सोते हैं उस रूम का फैन, वो भी गंदा हुआ पड़ा। तो गाइस ये वाला है वो फैन, और ये भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है, तो चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं गाइस। तो मैं इसके ऊपर भी अभी उठ गई हूँ और देखती ये तो मुझे याद आ रहा है गाइस, ये थोड़ा ओहो सॉरी, इसमें जो फॉल सीलिंग का काम हुआ है ना उसके जो ऊपर का फॉल सीलिंग है उसके नीचे भी एक सीलिंग है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे है, तो इसको मैं अच्छे से साफ कर पाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। फिर भी गाइस डर लग रहा है, अगर गिर जाऊंगी तो क्या होगा, जाऊंगी। गाइस ये वाला जो फैन था ये बहुत ही ज़्यादा नीचे में था, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर पाई, और मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मेरे पहले दिमाग में नहीं आया। मेरे घर के पास ही एक आदमी का दुकान है, उसके पास एक स्टील वाला जो है सीढ़ी है उसको मैं लाकर साफ कर सकती थी, लेकिन मैं भूल गई। गाइस अब मैं साफ करने वाली हूँ जो रोशनी का ये जो उसका सॉफ्ट टॉय का पार्ट है ना वो वाला, और इसके ऊपर मैं चढ़ नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चढ़कर साफ करना चाहिए क्योंकि अंदर तक बहुत ही ज्यादा गंदा है। लेकिन मैं चलूँ तो चलूँ कैसे, तो चलिए ट्राई करते हैं चढ़ने के लिए। अगर चढ़ पाई तो मैं चढ़कर ऊपर तक चढ़कर साफ करूंगी, अगर नहीं चढ़ पाई तो ऐसे ही साफ कर। गाइज मुझे बहुत ही देर से जब मुझे समझ में आया कि मुझे वो सीढ़ी लाकर साफ़ करनी चाहिए थी, तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी, लेकिन जो ये रोशनी का
स्लैब था, उसका जो टॉय स्लैब था उसको मैंने अच्छे से उसी को लाकर साफ़ किया। देखिए मुझे नहीं हो रहा था, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे इस पर चढ़कर इसको साफ़ करना था। इस पर चढ़ूँ तो चढ़ूँ कैसे मैं? तो बहुत देर बाद मेरे दिमाग में आया कि वो मुझे वो वाला सीढ़ी लाना चाहिए। फटाफट से भैया के दुकान पहुंच गई, मैंने कहा प्लीज़ आपकी जो सीढ़ी है वो मुझे दे दो, मैं साफ़ कर लूँगी अपना घर, तो मैं आपको लाकर दे दूँगी। तो उस भैया थे उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने कहा ले जाओ आप साफ़ कर लो, उसके बाद मुझे लौटा देना। तो मैं फाइनली वो लेकर आई और इसके ऊपर मैं सीढ़ी था उसके हेल्प से मैं ऊपर चढ़ गई, नहीं तो मुझसे नहीं होता। और मैंने पूरा जो रोशनी का स्लैब था टॉयज का उसको मैंने पूरे अच्छे से साफ़ किया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं उसमें चढ़ पाई। उसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हो गया था और सारा जो धूल है वो मेरे मुंह के अंदर, मेरे नाक के अंदर जा रहे थे। मेरे मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा, जो उसकी कैमरा की क्वालिटी है वो ज़्यादा कम है, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा से नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही देखें। हाँ, जब उतरने की बारी आई ना गाइस, मेरा जो हार्ट था वो मुंह में आ गया था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊं। और मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं खुद ही को गाली दूं, बहुत काम करना है ना आपको, जाओ जाओ करो करो करो। लेकिन फाइनली मैं उतर गई। मैं आप सबको और कुछ बताना चाहता था, है वो प्लीज़ जो लड़कियां हैं वो अगर अकेली है तो प्लीज़ ना करिए, मत करिएगा, ना मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है गाइस। मैं कैसे कैसे उतरी हूँ, मैं कैसे कैसे चढ़ी हूँ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फाइनली मैंने कर लिया है, क्योंकि ये घर बनाया हुआ हमारा एक साल हो गया और एक साल से मैंने ऊपर साफ नहीं किया हुआ था। कोई है नहीं, मैं मरूँ जीऊँ या जैसे भी करूँ मुझे करना ही पड़ेगा गाइस। प्लीज़ आप सब मत कीजिएगा किसी को। फाइनली गाइज, मैंने जो हमारा घर है वो पूरा चमका कर एकदम चमक चमक कर दिया है। तो हैप्पी दिवाली गाइज। अभी मैं जा रही हूँ रोशनी को लाने के लिए, क्योंकि 2 बज गए हैं, 2 बजे उसका स्कूल छुट्टी हो जाता है, तो मैं उसको पहले जाकर उसको ले आ रही हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। गाइज, रोशनी को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, तो वो अभी थोड़ा इंतज़ार करेगी, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि पूरा घर का काम करते करते बहुत ही टाइम हो गया था, इसलिए अभी जो है दोपहर का खाना वो नहीं बनाया हुआ है। क्या हुआ? तो रख लो। तो चलिए, मम्मी कुछ भेजी हुई थी मेरे लिए, कहा आज मैं तुम उसी को बनाकर खा लेना। मैंने कहा मम्मी आप खुद ही बनाकर भेज दो ना, क्योंकि आज जो है मैं पूरा दिवाली की सफाई में लगी हुई हूँ, तो आज मैं कुछ भी बना नहीं पाऊंगी। हाँ रुक जा आदनी। तो चलिए देखते हैं मम्मी ने क्या भेजा हुआ है, लेकिन वो मुझे बनाना पड़ेगा खुद ही। गाइस वो देख रहे हैं वो लाइट जो है वो बहुत दिन का है, रोशनी को आज मिल गया, बहुत 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 दिन का, 5-6 साल के बाद का है। और ये उसमें ही रखा हुआ था, इसका जो बॉक्स है पिंक कलर का उसमें रखा हुआ था, वो चलो था। तो गाइस हम कहाँ बैठे? हाँ, मम्मी ने कुछ भेजा हुआ था, तो क्या भेजा हुआ है चलिए देखते हैं। किस? रोशनी ने बताया सारा सरप्राइज खराब कर दिया। अब तुमको हेट है, मुझे तो नहीं है ना, तुम्हें फीस अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। रोशनी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज खाना बनाने के लिए थोड़ा देर हो जाएगा। मेरा खाना बनेगा। हाँ हाँ, खास तुम्हारा ही भाप डाला, ठीक है भाप डाली बना। तो गाइज मम्मी ने ये भेजा हुआ है, इसमें देख रहे हैं मिट्टी कितना देकर भेजा हुआ है मम्मी ने, कहा आज इसको ही बनाकर खा लेना। और रोशनी को फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो रोशनी एक पीस भी नहीं खाएगी, लेकिन फिश मुझे पसंद है, क्योंकि फिश खाने से स्किन आपके बाल सभी अच्छे रहते हैं। तो चलिए इसी को बना लेती हूँ। और गाइज आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर से मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और आज मैंने पूरा घर साफ किया हुआ है ना, तो कल मेरा जो है पूरा किचन का काम जो है वो रह गया है, और कल में मैं किचन साफ करूँगी। तो मिलते हैं कल में। हैप्पी दिवाली।